हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पेरेंटिंग एंड एजुकेशन। फ्रेंड्स, आरटी महाराष्ट्र की जो वेटिंग लिस्ट थी, वो वेटिंग लिस्ट 19 मई को आउट हुई थी और 19 मई से लेके 27 मई तक आपको बच्चों के एडमिशन करानी थी। एडमिशन कराने के लिए सबसे पहले तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आपको जिस भी स्कूल में जाना है वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे और डॉक्यूमेंट सबमिट करने की लास्ट डेट 27 मई। सो आज की वीडियो में देखेंगे कि 27 मई तक कितने एडमिशन क्लियर हुई है, मींस कितने वेटिंग क्लियर हुई है और कितने एडमिशन हो चुकी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। इससे मेरी आरटी से जुड़े नए अपडेट आप तक पहुँच जाएंगे। और फ्रेंड्स, इसके अलावा पेरेंटिंग भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो भी मैंने अपलोड किए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार प्लीज़ सारे वीडियो का चेकआउट कर लीजिए। चलो तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। वेटिंग लिस्ट कंफर्म होने के लिए सबसे पहले तो आपको गूगल क्रोम ब्राउजर में जाना है। वहाँ पे आपको आरटी टाइप कर लेना है। जैसे आप आरटी टाइप करते हो तो आपके सामने स्टूडेंट पोर्टल का ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो आपके सामने स्टूडेंट पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पेरेंट्स के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, वो आपको अच्छे से रीड करना है। फिर नीचे स्क्रॉल करके आना है और यहाँ पर शो अर्पल आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप शो अर्पल क्लिक करते हो तो आपके सामने दो ऑप्शन ओपन होंगे, रेगुलर सिलेक्शन और वेटिंग सिलेक्शन। तो आपको वेटिंग टाइप कर लेना है। जैसे आप वेटिंग पर टाइप करते हो तो आपके सामने पूरे महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट वाइज वेटिंग लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएंगी। सो अब हम वन बाय वन देखते हैं महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट वाइज कितने वेटिंग क्लियर हो चुकी है। सबसे पहले अगर हम नगर की बात करेंगे, नगर डिस्ट्रिक्ट में आरटी के टोटल स्कूल थे 400 और आरटी के वैकेंसी थी 3058। वहाँ पे टोटल एप्लीकेशन सबमिट हुए थे 6923 और वेटिंग का जो सिलेक्शन हुआ था वो हुआ था 846। तो टोटल वेटिंग में से अब तक 308 कन्फर्म एडमिशन हो चुकी है। अकोला डिस्ट्रिक्ट में 431 में से 225 एडमिशन कन्फर्म हुई है। अमरावती डिस्ट्रिक्ट में 659 में से 271 कन्फर्म हुई है। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में 1341 में से 365 कन्फर्म हुई है। भंडारा डिस्ट्रिक्ट में 184 में से 100 एडमिशन कन्फर्म हुई है। बी डिस्ट्रिक्ट में 421 में से 151 एडमिशन कन्फर्म हुई है। बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट में 488 में से 215 एडमिशन क्लियर हुई है। चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में 347 में से 112 एडमिशन कन्फर्म हुई है। धुले डिस्ट्रिक्ट में 180 में से 93 एडमिशन कन्फर्म हुई है। गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में 75 में से 38 एडमिशन कन्फर्म हुई है। गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में 206 में से 109 एडमिशन कन्फर्म हुई है। हिंगोला डिस्ट्रिक्ट में 156 में से 51 वेटिंग एडमिशन कन्फर्म हुई है। जलगांव डिस्ट्रिक्ट में 594 में से 320 एडमिशन कन्फर्म हुई है। जालना डिस्ट्रिक्ट में 482 में से 141 एडमिशन कन्फर्म हुई है। कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में 340 में से 137 एडमिशन कन्फर्म हुई है। लातूर डिस्ट्रिक्ट में 438 में से 130 एडमिशन कन्फर्म हुई है। मुंबई डिस्ट्रिक्ट में 1103 में से 399 एडमिशन कन्फर्म हुई है। मुंबई डिस्ट्रिक्ट में 304 में से 132 एडमिशन कन्फर्म हुई है। नागपुर डिस्ट्रिक्ट में 1752 में से 641 एडमिशन कन्फर्म हुई है। नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में 492 में से 129 एडमिशन वेटिंग के थ्रू कन्फर्म हुई है। नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में 75 में से 27 एडमिशन कन्फर्म हुई है। नाशिक डिस्ट्रिक्ट में 954 में से 418 एडमिशन कन्फर्म हुई है। उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट में 1888 एडमिशन का सिलेक्शन हुआ है, उसमें से 83 एडमिशन कन्फर्म हुई है। पालघर डिस्ट्रिक्ट में 210 में से 140 कन्फर्म हुई है। परभणी डिस्ट्रिक्ट में 222 में से 55 एडमिशन कन्फर्म हुई है। पुणे डिस्ट्रिक्ट में 4218 में से ओनली 14 एडमिशन कन्फर्म हुई है, क्योंकि अभी अभी पुणे की वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई इसलिए पुणे की एडमिशन कम हुई है। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में 868 में से 155 एडमिशन कन्फर्म हुई है। रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में 76 में से 35 एडमिशन कन्फर्म हुई है। सांगली डिस्ट्रिक्ट में 213 में से 36 एडमिशन कन्फर्म हुई है। सातारा डिस्ट्रिक्ट में 286 में से 152 एडमिशन कन्फर्म हुई है। सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में 14 वेटिंग की सिलेक्शन हुए थे, उसमें से सिर्फ दो ही एडमिशन कन्फर्म हुई है। सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में 342 में से 134 एडमिशन कन्फर्म हुई है। ठाणे डिस्ट्रिक्ट में 2422 में से 1089 एडमिशन कन्फर्म हुई है। वर्धा डिस्ट्रिक्ट में 298 में से 170 एडमिशन कन्फर्म हुई है। वाशिम डिस्ट्रिक्ट में 175 में से 17 एडमिशन कन्फर्म हुई है। और यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में 457 में से 195 एडमिशन ही कन्फर्म हुई है। सो फ्रेंड्स, ये जो लिस्ट हुई है तो ये लिस्ट ही 27 मई तक
ये तो लिस्ट थी बाकी डिस्ट्रिक्ट के लिए, लेकिन पुणे की वेटिंग लिस्ट अभी अभी आउट हुई है, तो पुणे वालों को और थोड़ा टाइम मिलेगा, मीन्स ऑलमोस्ट 1 वीक तक उनको टाइम पे। आपको सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद ही आपको आपके बच्चे के स्कूल में एडमिशन करानी है। और फ्रेंड्स, ये तो थी सेकेंड राउंड की लिस्ट। बहुत से पेरेंट की ये भी क्वेरीज है कि मैडम थर्ड राउंड में कोई चांसेस है क्या? सो फ्रेंड्स, मैंने पहले ही बताया है कि अगर किसी भी स्कूल में वैकेंट सीट होती है तो फर्स्ट प्रायोरिटी वो वेटिंग वालों को ही देंगे। अगर वेटिंग के थ्रू भी एडमिशन कन्फर्म नहीं होती है, देन फिर वो थर्ड राउंड की लिस्ट आउट करेंगे। सो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितना हो सके मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि बहुत से पेरेंट्स को RT से रिलेटेड जानकारी मिल सके। फिर मिलती हूँ नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय, टेक टेक।